लेट्स लुक एट दलूशन ऑफ दिस कम्प्रीहसि एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम जो कि अभी मैं हमने डिस्कस किया है uh, इसके अंदर पहले तो हमने एक्स असम्बली uh, का रिकॉर्ड डिवेलप करना है जैसे कि एक्स जो है डेट इज़ uh, वो लेवल वन का सब असम्बली तो लेवल वन को पहले हमने कंसिडर करना है uh, इसके अंदर ये आपके ए की रिक्वायरमेंट्स हैं एम पी एस जिसको कहते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ए इज़ योर एंड प्रोडक्ट तो उसके अंदर थर्टी फाइव यूनिट्स की प्रोडक्शन होनी है थर्ड वीक में ट्वेंटी uh, की होनी है फोर्थ वीक में और फिफ्टीन की होनी है फिफ्थ वीक में और इसके अंदर जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट वो इधर से ही हम डिटरमिन uh, करेंगे तो वो थर्टी फाइव ग्रॉस रिक्वायरमेंट थर्ड वीक में है एक्स की ट्वेंटी की ग्रॉस रिक्वायरमेंट फोर्थ वीक में है और फिफ्टीन की ग्रॉस रिक्वायरमेंट फिफ्थ वीक में है ये बेस्ड ऑन ए की प्रोडक्शन पर अब हमारे पास लीड टाइम गिवन है वन वीक का है प्रोडक्शन लॉट फॉर लॉट होगी जितनी भी रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली exactly उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी और सेफ्टी स्टॉक एक्स की ज़ीरो है ये डेटा हमारे पास इन्वेंट्री uh, रिकॉर्ड से अवेलेबल है इसी तरह 15 यूनिट्स बिगनिंग इन्वेंट्री के अवेलेबल है हमारे पास अब उसको लेकर हमने चलना है फर्स्ट और सेकंड वीक में क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास तो यही इन्वेंट्री जो है ये कंटिन्यू करेगी थर्ड वीक के अंदर अगर 35 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे पास सिर्फ पंद्रह यूनिट्स हैं शॉर्टफॉल ट्वेंटी की हो रही है तो एक्चुअली हमने सिर्फ क्योंकि लॉट फॉर लॉट की प्रोडक्शन है तो ट्वेंटी ही की क्वांटिटी हमने ऑर्डर करनी है तो ट्वेंटी अगर हम रिसीव करते हैं तो इसका मतलब है एक वीक पहले इसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए शुरू ट्वेंटी की ये ट्वेंटी हमने रिसीव की है प्लस फिफ्टीन मेक्स इट 35 थर्टी फाइव जो कि कंज्यूम हो गए तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास जीरो रह गई अगेन ट्वेंटी की रिक्वायरमेंट फोर्थ वीक में है तो अगेन हमें ट्वेंटी चाहिए हमने ट्वेंटी का ऑर्डर थर्ड वीक में प्लेस किया सो दैट फोर्थ वीक में हम इसको रिसीव कर लें वो ट्वेंटी फोर्थ वीक में कंज्यूम होंगे एंडिंग इन्वेंट्री ज़ीरो रह जाएगी और इसी तरह फिफ्टीन की रिक्वायरमेंट फिफ्थ में तो फिफ्टीन की हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसकी भी इन्वेंट्री हमारी ज़ीरो रह जाएगी और इस बेसिस के ऊपर जब हम इसको देखें तो वाई की जो असम्बली है क्योंकि वो अब वाई जो है वो एक्स में भी यूज़ होगा और ए में भी यूज़ होगा ए में बेसिकली वो दो यूनिट्स इसके यूज़ हो रहे हैं जबकि एक्स में एक यूनिट यूज़ हो रहा है वाई का तो इससे हमने इन दोनों से इसको ड्रॉ कर रहे हैं ट्वेंटी के हमने सेकंड वीक के अंदर क्योंकि एक्स की शुरू होनी है प्रोडक्शन तो ट्वेंटी की ग्रॉस रिक्वायरमेंट वाई की है इधर ये वाले ट्वेंटी तो हमने एक्स में यूज करने और फिफ्टीन एक्स में यूज करने लेकिन ये जो है सेवेंटी थर्टी फाइव ए की प्रोडक्शन होनी है थर्ड वीक में शुरू तो उसके लिए हमें दो चाहिए वाई असेंबली एक ए प्रोड्यूस करने के लिए तो वो आपके सेवेंटी हो गए ये 20 मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज 40 एंड फिफ्टीन मल्टीप्लाई टू इज 30 तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई एक्स असम्बली की दैट इज 20 90 55 फोर्थ वीक में एंड 30 फिफ्थ वीक में अब इसका भी दिया हुआ डाटा लॉट साइज जो है वो जब भी प्रोड्यूस करेंगे 40 की होगी लीड टाइम वन वीक का है और सेफ्टी स्टॉक इस वक्त मेंटेन करना है टेन यूनिट्स दैट मींस कि हमारी प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस टेन से नीचे नहीं जा सकते जब भी टेन से नीचे जाने लगे हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो इसके अंदर बिगनिंग इन्वेंट्री टेन यूनिट्स है वही कंटिन्यू करेगा फर्स्ट वीक में वो एंडिंग इन्वेंट्री बन जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट कोई नहीं है देन देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्वेंटी इसकी वाई असेंबली की तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए जैसे बताया कि हमारा लॉट साइज़ इज़ फोर्टी का जब भी हमें मटेरियल चाहिए होगा वो फोर्टी या मल्टीपल ऑफ फोर्टी हम कर सकते हैं तो इधर हमें फोर्टी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए और हमने रिसीव फोर्टी सेकेंड वीक में किए फोर्टी प्लस टेन इज फिफ्टी माइनस ट्वेंटी गिव्स अस थर्टी तो एंडिंग इन्वेंट्री सेकंड की थर्टी होगी थर्ड वीक में नाइन्टी हमें चाहिए ट्वेंटी प्लस सेवेंटी यह नाइन्टी मीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ थर्टी है तो अब हमें क्या चाहिए हमें टू लॉट साइज चाहिए कम अज कम तो दैट इज टू लॉट साइज आर एटी और उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी सेकेंड वीक में एटी प्लस थर्टी इज हंड्रेड एंड टेन माइनस नाइंटी गेट्स ट्वेंटी एज एंडिंग इन्वेंट्री वीक थ्री uh, इसी तरह वीक uh, फोर के लिए फिफ्टी फाइव की हमें जरूरत है और इसके अंदर ट्वेंटी uh, हमारे पास ऑलरेडी हैं ट्वेंटी हमारे पास हैं फिफ्टी फाइव की जरूरत है तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए अगर हम एक लॉट मंगाते हैं तो हमारे पास फोर्टी का लॉट आता है तो वो सिक्सटी बनता है सिक्सटी माइनस फिफ्टी फाइव फाइव बन रहा है एंडिंग इन्वेंट्री फाइव रह जाएगी बल्कि बट सेफ्टी स्टॉक के दस हमने मेंटेन करना है तो वो हम नहीं कर सकते सो so हमें क्या करना है मल्टीपल दो लॉट के ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा तो so दो लॉट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एटी हमने रिसीव किया एटी प्लस ट्वेंटी हंड्रेड माइनस फिफ्टी फाइव गिवज एस फोर्टी फाइव और इसी फोर्टी फाइव से हम फिफ्थ वीक के थर्टी भी यूज कर लेंगे तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री फिफ्थ वीक की फिफ्टीन रह जाएगी तो ये हमारा वाई असेंबली के लॉट साइज ये हमने कर लिया सी को हमने करना है अब सी के लिए एक्स की रिक्वायरमेंट है हर एक्स में दो सी जाएंगे तो इस बेसिस के ऊपर जो हमने ग्रॉस रिक्वायरमेंट निकाली है प्लैंड ऑर्डर रिलीज ऑफ एक्स से वो दो क्योंकि चाहिए तो ट्वेंटी कि प्रोडक्शन एक्स की होनी है सेकेंड वीक में तो फोर्टी होने चाहिए ग्रोस रिक्वायरमेंट अवेलेबल थर्ड वीक में ट्वेंटी की प्रोडक्शन होनी है एक्स की तो थर्ड वीक में फोर्टी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सी एंड फिफ्टीन की प्रोडक्शन होनी है एक्स की इन फोर्थ वीक तो थर्टी के अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सी की और उस बेसिस के ऊपर अगेन लॉट साइज इज फोर्टी सेफ्टी स्टॉक इज टेन बट लीड टाइम इज टू वीक्स अब इस बेसिस के ऊपर वन थिंग कि ऑलरेडी ये ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ था अब हमने फर्स्ट वीक में ये ऑर्डर रिसीव करना है इस बेसिस के ऊपर 40 प्लस 15 जो कि बिगनिंग इन्वेंट्री है तो हमारे पास फर्स्ट वीक की एंडिंग इन्वेंट्री 55 रह जाती है उसमें से 40 माइनस करें सेकंड वीक की तो 15 रह जाती है थर्ड वीक के अंदर हम सेफ्टी uh, स्टॉक से नीचे जा रहे हैं सो वी नीड फोर्टी यूनिट्स लॉट साइज तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 15 रह जाएगी अगेन सेफ्टी स्टॉक से नीचे जा रहे हैं तो अगेन हमने 40 रिसीव किए एंड अल्टीमेटली हमारी एंडिंग इन्वेंट्री फिफ्थ की 25 फाइव यूनिट्स की रह जाती है ये अब डी का हमारा है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम वाई तो इसके अंदर वाई के जो प्लैंड ऑर्डर रिलीज हैं वो फर्स्ट वीक में फोर्टी है तो उसके बेसिस के ऊपर क्योंकि दो डी चाहिए फॉर ईच वाई तो वो एटी की रिक्वायरमेंट है ग्रॉस रिक्वायरमेंट फर्स्ट वीक में एटी क्योंकि प्रोडक्शन शुरू होनी है एफ वाई की इन सेकंड वीक तो सेकंड वीक में ग्रॉस रिक्वायरमेंट डी की वन सिक्सटी है और इसी तरह थर्ड वीक में ग्रॉस रिक्वायरमेंट वन सिक्सटी की डी की है शेड्यूल्ड रिसीट 120 यूनिट्स के थे फर्स्ट uh, वीक में तो उसको यूज़ किया प्लस 60 बिगनिंग इन्वेंट्री तो ये हमारे बन गए 180 उसमें से 80 कंज्यूम हो गए फर्स्ट वीक में तो 100 बच गए सेकेंड वीक के अंदर हमारे ग्रॉस रिक्वायरमेंट 160 की है जबकि हमारे पास इन्वेंट्री में सिर्फ 100 है तो उसके लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना था अब लॉट साइज जो है इधर वो पी ओ क्यू ऑफ टू है मतलब है कि रिक्वायरमेंट दो वीक की रिक्वायरमेंट या दो पीरियड्स की रिक्वायरमेंट हमने इसके अंदर इंक्लूड करनी है ऑर्डर में तो हम इधर ऑर्डर करेंगे बेसिकली कर रहे हैं और ऑर्डर हमारा जो शॉर्ट फॉल है वो सिक्सटी यूनिट्स का बन रहा है ठीक है ना हंड्रेड हमारे पास ऑलरेडी है हंड्रेड एंड सिक्सटी की रिक्वायरमेंट है तो सिक्सटी का शॉर्ट फॉल पड़ रहा है लेकिन ट्वेंटी सेफ्टी स्टॉक का मिला लें तो एटी का शॉर्ट फॉल हो जाता है लेकिन हमने दो पीरियड की ऑर्डर करना है एटी प्लस वन सिक्सटी ऑफ थर्ड पीरियड एटी हमारी सेकंड पीरियड के लिए चाहिए और थर्ड पीरियड का हमें हंड्रेड एंड सिक्सटी चाहिए क्योंकि पीरियोडिक ऑर्डर क्वांटिटी है टू वीक्स की तो ये दो वीक का हम जब मिलाते हैं तो वो टू हंड्रेड एंड फोर्टी हैं तो टू हंड्रेड एंड फोर्टी हमने रिसीव करने हैं तो उसके लिए हमने फर्स्ट वीक में 240 के प्रोडक्शन रिलीज ऑर्डर कर देने हैं इसके प्लैंड ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा और ये हम रिसीव करेंगे सेकेंड वीक में 160 हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो 240 फोर्टी प्लस वन इज़ 340 फोर्टी माइनस वन इज़ एंड वन एट्टी माइनस वन सिक्सटी जो कि थर्ड वीक का है तो हमारे पास ट्वेंटी रह जाते हैं जो कि हमारा सेफ्टी स्टॉक है और ये हम इसको मेनटेन करेंगे कंटिन्यू करेंगे जब तक फिर नेक्स्ट ऑर्डर और उसका कैलकुलेशन और एम आर पी का टाइम होराइजन नया बन जाएगा तो उसके हिसाब से प्लानिंग हम करेंगे अगर हम ई e को देखें तो लास्ट ये है ये भी वाई के लिए यूज़ होगा डी एंड ई e, जो है वो वाई के अंदर हो रहा था अगेन ई e भी दो यूनिट चाहिए फॉर एवरी वाई तो उसके बेसिस के ऊपर 40 फर्स्ट वीक में प्रोड्यूस करने शुरू करने वाई के तो एटी हमें ई e चाहिए इसी तरह जैसे डी का था हंड्रेड एंड सिक्सटी सेकेंड वीक में चाहिए और थर्ड वीक में भी हंड्रेड एंड सिक्सटी ई के चाहिए इसके अंदर हमारे पास 240 के वो रिसीव कर रहे हैं हम 60 हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री है तो टोटल फर्स्ट वीक के अंदर थ्री हमारे पास होंगे 80 उसमें से कंज्यूम होंगे तो 220 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री रह जाएगी नेक्स्ट सेकंड वीक में 160 की रिक्वायरमेंट है तो 220 में से 60 कंज्यूम हो जाएंगे सिक्सटी रह जाएंगे थर्ड पीरियड के लिए हमें माल चाहिए लॉट साइज़ क्योंकि 120 का है तो 120 हम रिसीव करेंगे 120 प्लस 60 इज 180 एंड एटी माइनस हंड्रेड गिव्स अस 20 एज एंडिंग इन्वेंट्री विच इज और सेफ्टी स्टॉक तो हमें आ, कोई इशू नहीं है हमने सेफ्टी स्टॉक के बराबर किया अब 120 थर्ड वीक में चाहिए तो फर्स्ट वीक में ये रिलीज होना चाहिए क्योंकि दो वीक का ये लीड टाइम है तो इस बेसिस के ऊपर ये हमारा ई e कंपोनेंट की हमने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट करनी है और दैट इज़ थर्ड वीक के अंदर रिसीव करना है ये 120 का लॉट साइज